This time, Dubai. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम दुबई की एक ब्यूटीफुल जगह पर है जहाँ के लिए सब लोग आते हैं। एक सेकंड में थोड़ा कैमरा सीधा कर। ओके, तो हम अभी डेजर्ट सफारी करने जा रहे हैं। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे, जैसे कि आयान यूनिवर्स है और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। तो हमारा ये तीसरा साइट सीन है और हम यहाँ पे डेजर्ट सफारी करने जा रहे हैं। तो दुबई से निकले, ऑलमोस्ट दुबई से निकलने के बाद कुछ ही टाइम में, मतलब डेढ़ एक घंटे में, हमें लगा कि ये तो यूएई ही ख़त्म हो जाएगा। हम वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे थे और ओमान आने से पहले, बस बॉर्डर से पहले गाड़ी मुड़ गई और डेजर्ट सफारी के अंदर हम गए। तो डेजर्ट सफारी का ये स्मॉल रोड यहाँ पे चालू हो गया, हमने हाईवे छोड़ दिया है और आगे फिर इससे आगे गाड़ी जाएगी और डेजर्ट सफारी शुरू होगी। तो डेजर्ट सफारी सबसे फेमस अट्रैक्शन यहाँ का, दुबई का। मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो जो भी देखेंगे, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो दुबई को अभी कब का छोड़ दिया है, बस यहाँ पे चाय नाश्ता करके आगे जाएंगे एकदम डीप डेजर्ट में और डेजर्ट सफारी वहाँ से शुरू होगी। सो लेट्स गो फ्रेंड। तो नहीं बनाते होगे? हाँ, अच्छी है। यहाँ का चाय अच्छा है, एक और होटल से अच्छा है जो आप होटल में ले आते हैं ना। हाँ, कंपैरेटिवली उससे अच्छा है। 6 dirham और पानी की बड़ी बोतल दे दीजिए एक। ओके ओके, यूट्यूबर है फ्रेंड्स। तो अभी हम डेजर्ट सफारी के एक पड़ाव पे आए हैं। डेजर्ट सफारी हम शुरू किए तो एक जगह नहीं है, पूरा डेजर्ट सफारी एक पैकेज होता है। उसमें सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, 3-4-5 जगहें होती हैं और हर जगह पे आपको ले जाया जाता है। 2 बजे के आसपास शुरू होती है और 2 घंटे लगते हैं करीब दुबई से डेजर्ट में आने के लिए। बहुत बीचों बीच रन में आपको ले जाएंगे और रन में 3-4 जगहें हैं। सबसे पहले हम पहुँचे हैं कैमल राइडिंग, उसके बाद आप स्केट भी कर सकते हैं डेजर्ट में, और उसके बाद आगे जाएंगे फिर बेबी क्यू डिनर है, फिर वो बाज़ हाथ में लेके जो फ़ोटो खिंचाते हैं, उस टाइप की बहुत सारी जगह है, पॉइंट है और हर जगह पे एक एक्टिविटी है। एंड में शायद होगा डिनर और डिनर के बाद हम वापस दुबई जाएंगे, रात को देर रात हो जाएगी। तो ये है डेजर्ट सफारी, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर, डेजर्ट में आपको ले जाते हैं और एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी होती है। तो ये एक पॉइंट है और इसके बाद आगे जो भी पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बस कैमल राइडिंग होती है और ये बाइक लेके कुछ घूमते हैं। Oh my god.
हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम डेजर्ट में हैं, डेजर्ट सफारी कर रहे हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस जो यहाँ तक आया ना, हम एक पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पे बीचों बीच रेत ही रेत दिखाई देगी, रेत के पहाड़ है उसके बीचों बीच है, लेकिन उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हम आए हैं ना, मन ही जानता है जो कार चलाई है इन लोगों ने। इस यहाँ पर आकर अगर आपने कार में ये एक्सपीरियंस कर लिया, कहीं और ये डेजर्ट पे कार चलाने वाला एक्सपीरियंस आपको पसंद शायद कंपैरेटिवली नहीं आएगा जो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास एक्टिविटी है यहाँ की। तो इसी के लिए जो भी दुबई आता है वो ये जरूर करता है। जैसा कि रेत का एक टीला है, ऐसे बहुत सारे टीले इससे भी ऊँचे, ये टॉप पर जाने देंगे और वहाँ से डाइव लगाएंगे, कुछ टीले से वहाँ से वापस मोड़ेंगे। हमें लगा कितनी बार के अब गए, मतलब अब उल्टी हो गई गाड़ी, अभी पलटी हो गई गाड़ी। हंड्रेड % गाड़ियों का कमाल है, गाड़ियाँ भी उस लेवल की है, लेकिन जो ड्राइवर है वही कमांडर होता है। तो इन लोगों ने जो चलाया और एक के बाद एक एक कटार लगा के बहुत सारी गाड़ियाँ, हमें दूसरी गाड़ी को देख के लगता था कि वो गिर जाएगी, और जब हम एक गाड़ी में थे तो लिटरली लगा के गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपको भरोसा है और अगर आप ये अजमाना चाहते हो तो कुछ करो ना करो दुबई में, लेकिन डेजर्ट सफारी जरूर करो। अमेजिंग एक्सपीरियंस। और अभी सूरज ढलने को है, डेजर्ट में बीचों बीच खड़े हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और यहाँ से अभी आगे के पॉइंट जाना है, आगे जो भी पॉइंट होगी एक दो या उसके बाद फिर फाइनली डिनर होगा, और डिनर के बाद बेबी क्यू डिनर बोलते हैं, उसके बाद सीधा होटल जाएंगे, मतलब दुबई जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं ये डेजर्ट सफारी के अंदर, जो बारबेक्यू डिनर ओजिस है रेत के बीच, और उसमें ये बारबेक्यू डिनर के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ पे मुजरा होगा, खाने की चीज़ें पक रही है, खाना होगा, और एक आध डेढ़ घंटे हम यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद फिर आगे, मतलब दुबई जाएंगे। तो ये है इंजॉयमेंट की जगह जहाँ पर हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। अभी तो बस शुरू हो रहा है, लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो खाना व्यंजन सब दिखाते हैं आपको। हाँ तो दोस्तों, अभी हम डेजर्ट के भीतर में से एक और जगह पर आ गए हैं। हालांकि अभी हम डेजर्ट में ही है, लेकिन ये ओजिस है। ओजिस जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रेत के बीचों बीच एक ऐसी हरी भरी जगह होती है जहाँ पर पानी, खाना पीना सब कुछ मिल जाए और बहुत सारे घटादार वृक्ष हो, उस जगह को कहते हैं ओजिस। तो ये हम ओजिस में हैं और यहाँ पे ही हमारा डिनर होगा। तो डेजर्ट के बीच में ही हैं हम, और अभी इस डेजर्ट सफारी में हम डिनर इन्जॉय करेंगे, इसके साथ कुछ यहाँ का लोकल डांस वगैरह होगा। सो देखते हैं आगे आगे, और कैसा लग रहा है आपको वीडियो ये हमें कमेंट में भी बता दीजिए।
तो ये बुफेट है, स्नैक्स है, डिनर से पहले स्नैक्स, मतलब आप डिनर कम खाओ इसका मतलब। हम स्नैक्स ज़्यादा खाएंगे नहीं, डिनर खाएंगे ज़्यादा। बिना अटली का आलू फोड़ेंगे आपको। तो हम कर रहे हैं अभी डिनर। डिनर आप देख रहे हो सभी मतलब वेजिटेरियन है और बहुत ही स्वादिष्ट है। वेज में इतनी वैरायटी पहली बार देखी और बहुत ही ब्यूटीफुल डिनर। बहुत सारे सॉसेज यूज़ किए हैं और ये डिनर है। डिनर से पहले हमने थोड़ा स्नैक्स किया था, फ्रेंच फ्राइज थी, उसके बाद डांस वगैरह हुआ, उसके बाद एकदम वो सब देखने के बाद ये डिनर हुआ। तो ये बुफेट है, डिनर है और ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है। यहाँ के बाद सीधा हमें दुबई जाना है। बस बढ़िया।